नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। भोपाल शहर के आचारपुरा में एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। यहां पर ज्येष्ठ माह की दूज को दो अनोखे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जो इस समय देश में कहीं भी नहीं होते। यहां बैसाख माह में रामलीला होती है। इसका समापन ज्येष्ठ की दूज रावण दहन के साथ होता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। यह आयोजन मीना समाज मेला ट्रस्ट कमेटी करती है। इसी कड़ी में शनिवार को यहां पर रामलीला के समापन पर 31 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। वहीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मीना समाज मेला ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष विक्रम मीना एवं लीलेंद्र मारन ने बताया कि शनिवार को रामलीला के बाद भगवान जगन्नाथ बालभद्र और सुभद्रा की विशेष पूजा अर्चना कर उन्हें रथ में विराजमान किया। इसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर में आकर समाप्त हुई। इसके बाद यहां आरती पूजा के बाद रावण दहन किया गया, भंडारा हुआ और प्रसादी बांटी गई। सनातन धर्म की पुरानी संस्कृति है, बरसों पुरानी संस्कृति है। मीना समाज मेला ट्रस्ट कमेटी मंदिर आचारपुरा के तत्वावधान में अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह मीना जी के नेतृत्व में विगत कई वर्षों से भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, रामलीला का समापन, रावण दहन और पशु मेले के समापन के अवसर पर मीना समाज का ये धाम जो आचारपुरा गाँव में है, यहाँ पर ये बरसों पुरानी
संस्कृति है, बरसों पुरानी परंपरा है। ये सन 1370 साल पुराना ये मंदिर है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। और लगातार श्री जगन्नाथ, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह मीना जी, फिर उनके बाद स्वर्गीय श्री श्याम सिंह मीना जी, फिर उनके सुपुत्र श्री विक्रम सिंह मीना जी के नेतृत्व में ये धार्मिक सामाजिक पशु मेला का समापन, रामलीला का समापन, भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, और इसके पश्चात सबसे आखिरी में रावण दहन के बाद भगवान श्री राम का राज तिलक होगा। भगवान श्री राम अयोध्या धाम में विराजमान हो गए 22 जनवरी को, और आज यहाँ पर भी आचारपुरा में भी वैसा ही माहौल है, वैसे ही आनंद और उत्सव का क्षण है कि हमारे पूरा ग्रामवासी, हमारे पूरे क्षेत्रवासी, हमारे पूरे सामाजिक बंधु सब मिलकर इस भव्य और विशाल आयोजन को हर वर्ष बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न करते हैं। मैं इसे पावन और पवित्र अवसर पर समस्त मीना बंधुओं को इसे कार्यक्रम की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, हम पर और हमारी समाज पर ऐसा ही कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि लगातार हम ऐसे धार्मिक सामाजिक आयोजन करते चले आए, जिसमें आपके आशीर्वाद और आपके स्नेह से हमारा ये आयोजन निर्विघ्न निर्विवाद संपन्न हो। आप सबका इस आयोजन में पधारने पर मैं मीना समाज मेला ट्रस्ट कमेटी मंदिर आचारपुरा की ओर से हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम, जय मीनेश। समाज का भव्य विशाल आयोजन लगभग 75वां वर्ष ये पूरा होने जा रहा है। इस महले में भगवान श्री जगन्नाथ जी की आशीन कृपा से हर प्रत्येक वर्ष मेला भी लगता है, पशुधन मेला लगता है, एवं बहने भाइयों के उत्साह से मेले में दिन पे दिन प्रगति का दौर बढ़ रहा है। मीडिया आप लोगों के माध्यम से मैं मीना समाज के यहाँ उपस्थित जन गणमान्य नागरिकों को एवं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका हमें मीना समाज पर, मीना समाज मेला टेस्ट कमेटी पर ऐसा ही आशीर्वाद बना रहा है, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। जय जय श्री राम। और हाँ, ये मंदिर बनवाया था भगवान जी मीना जी, जो हमारे पूर्वज थे 370 साल पहले, और इस 76वां वर्ष है मेला की वर्षगांठ मना रहे हैं हम, और आज रावण दहन होगा। इसका स्थापना जगन्नाथ सिंह मीना जी ने की थी मेले की, और उनके पुत्र श्याम सिंह मीना जी ने इसको आगे बढ़ाया। आज उनके पुत्र विक्रम सिंह मीना जी हैं, और हम पूरी मीना समाज का ये धाम है, इसको हम पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी 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 परंपरा हम निर्वाह कर रहे हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी को संदेश है कि सनातन धर्म की रक्षा होती रहे और सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।